मुकाबला होगा अभी मर्ड रेसलिंग का। और अनफॉर्चुनेटली एक पार्टिसिपेंट मेनू ऑफलोड करना है आज थोड़े चो पुनीत कंवर सिंह। कंटेस्टेंट्स इस खेल में टिके रहने की कितनी कोशिश कर रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं, और हम जो पल पल इनका इम्तिहान ले रहे हैं उसमें अपने आप को कितना प्रूव कर पाते हैं कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा रहा है। आइए देखते हैं कि अब इनके साथ क्या नया होने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है उस शो में जिसका नाम है डर, डर के आगे जीत है। सो गाइस, कैसा लग रहा है हमारे सामी कैंप में? ओके गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और टास्क लेके आया हूँ। टास्क वर्ड सुनते ही सबको लगता है बहुत बोरिंग सा वर्ड है, बहुत बोझिल सा हो जाता है मामला, पता नहीं अभी कौन सी ईटे उठवाएगा, हूँ पता नहीं की करवाएगा साढ़े को। ऐसे करके थोड़ी ना टास्क मैं एक गेम का रूप दे देता है, और क्योंकि गेम है ये तो गेम टीम्स के विचकार ही खेले जा सकता है। ऐसे करके मैं तुम्हें चार टीम्स विच भी डिवाइड कर देता है, चार टीम देख के कैप्टन भी बना देता है, वो डिस्कार्डेड चार जिन्होंने तुसी आप कढ़िया सी, संचित, शिल्पा, शिराज एंड गौरव। गौरव आप आगे आके बैठिए। हमारे इस गेम का नाम मैंने रखा है स्प्लैश। गेम है वॉलीबॉल का, आप सबने कभी ना कभी स्कूल में कॉलेज में खेला होगा। खेला है? यस सर। आज भी वही करना है। आप लोगों को मालूम है कि चारों टीम्स हैं। टीम ए कौन सी है? टीम बी शिल्पा की। टीम ए और टीम बी के बीच में मैच होगा पहले, उसके बाद टीम सी और टीम डी के बीच में मैच होगा। टीम ए और बी की विनर टीम सी और टीम डी की विनर के साथ में मैच फाइनल के लिए खेलेगी। क्लियर? यस सर। यस सर। टीम ए को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके लिए चौथा साथी यहाँ पर एक और आ गया है। दिस इज अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर यू। कैन वी सी द सरप्राइज? यहाँ पर रोज उठ के नया गेम, नई प्लानिंग, यही सब होता है। यही सोचते हैं कि आज किसको बाहर करना है, किसको नहीं करना। आज सुबह नीचे उठ के आए तो देखा कि जब टीम सबकी अलग अलग हो चुकी थी तो शिराज खान की टीम में तीन प्लेयर थे। यही सोच रहे थे कि अब उसको कौन सपोर्ट करेगा, कौन प्लेयर अपनी टीम में से, कौन सा कैप्टन एक प्लेयर देता है उनको गेम कम्प्लीट करने के लिए। बट एक और नया ट्विस्ट गेम में अमन की जो एंट्री हुई, पहले लग रहा था पुनीत के जाने पर कल के टास्क के बाद कि कंपटीशन बहुत कम हो गया, पहले तो थोड़ा सा डाउन हो गया कि हम 15 लोग रह गए। बहुत चैन की सांस ली थी मैंने कि हाँ चलो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया, पर आज वाइल्ड का एंट्री से पता लगा अमन ने आना है तो लिटरली सारे घबरा से गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है फिजिकली मेंटली, और पहले भी था तो उसने बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म किए। वेलकम बैक। सो नाउ इट्स ओके, टीम्स आर इवनली बैलेंस्ड। तो टीम ए और टीम बी के बीच में पहला मुकाबला होगा। आई सी यू गाइस देयर। ओके गाइस, बिगिन। सर्विस चेंज। Service change.
ओके गाइस चेंज। ओके गाइस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Come on guys, last 15 seconds. Okay guys, time up. Okay guys, मेरे पास अभी scores आ गए हैं, पता चल गया टीम A और B में किसकी पोल खुली है और कौन आगे बढ़ गया है। बताऊं स्कोर? Yes sir. टीम बी ने 11 पॉइंट्स हासिल किए लेकिन विनर है टीम ए बिकॉज उनके 16 पॉइंट्स हैं। अमन की दोबारा एंट्री हुई है हमारे यहाँ, तो ये हमारी टीम का सदस्य है और इसके आने के बाद इतनी मजबूत टीम हो गई कि पहला ही टास्क हमने जीता है। इतना मजा आया ना इस टास्क में, इतना ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाई लक मेरी टीम बहुत ही अच्छी है। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मनी एंड विकास ज्यादा करेंगे बिकॉज मैंने उनको उस हिसाब से पोजीशन किया था कि अगर इनफिन केस बॉल आएगी तो वो मार लेंगे, लेकिन हुआ क्या, इट वॉज यू नो ज्यादा किस टास्क की बात है, इट डिपेंड्स कि किसकी सर्विस है किसकी नहीं है और आउट और ये इन, इट्स ऑल ऑन यू नो लक, गेम इज ऑल ऑन लक। टीम सी और टीम डी अपने प्लेयर्स लेकर आइए। ओके गाइस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, टीम सी और टीम डी के जोरदार मुकाबले के बाद क्या ख्याल है, विनर कौन सी टीम होगी, कौन सी टीम होगी विनर? ओके गाइस, दैट विनर इज टीम सी। इन्होंने किया 19 पॉइंट्स और टीम डी ने किए 9 पॉइंट्स। हार्ड लक गाइस, यानी कि हमारा फाइनल होगा टीम ए शिराज खान वर्सेस टीम सी गौरव। देखते हैं फाइनल में क्या होता है। I'll see you there. इतना डिसपॉइंटेड हुआ हूँ ना मैं अपनी टीम से, एक बंदा पूरी टीम को लेकर कैसे यार चल सकता है, इतनी गंदी टीम मैंने ही ले लिया, मैं बहुत डिसपॉइंटेड हूँ यार अपनी टीम से, बहुत ही ज्यादा। अगर आगे से मुझे टीम चुनने का मौका मिले ना तो मैं तो अपने तीनों प्लेयर कट कर दूंगा यार,
दे आर ब्लडी फेलियर। ओके गाइस, फाइनल के लिए तैयारी? यस सर। ओके, सर्विस आपकी रहेगी, पर अब आप लोग उस तरफ रहेंगे। चलिए, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए चलिए, गेम को वापस प्ले में लाइए, जल्दी कीजिए। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। लेट द गेम बिगिन। टीम ए और टीम सी, कैसा रहा मुकाबला? जोश था बहुत। किस टीम में ज्यादा था? हमें था ज्यादा, हमें ज्यादा, कहने की जरूरत नहीं। संदीप ने अच्छी सर्विस की, आज 4-5 पॉइंट्स निकाले, लेकिन अभी फिलहाल वक्त है आपको विनर बताने का, और हमारी विनर है टीम ए। यार जब मैंने सुना ना यार, ये शिराज खान लड़की कौन है, मुझे समझ नहीं आया कि चीज क्या है। सारे बोलते हैं कि वो ग्लैमरस, उसमें ग्लैमरस लुक आती है, ये है वो है, और यार एक बात तुम खुद सोचो, मुझे ये बोल रहे हैं कि वो तुझे टक्कर दे सकती है। यार जो लड़की एक किचड़ में एक सेकंड के लिए खड़ी नहीं हो सकती, जिसे स्विमिंग नहीं आती, जो इंटो वाला टास्क नहीं कर सकती, जिसे बोलने का ढंग है भी या नहीं भी है, वो मुझे कम्पीट करेगी संदीप कौर को? इम्पॉसिबल है। और मैं कह दूं शिराज खान, दोस्ती भी दोस्ती है, दुश्मनी भी दुश्मनी है, दोस्त भी तो मेरी है और दुश्मन भी ही तू मेरी है। इतना बात बता दूं कि अगर तू तो ये सोच रही है ना कि मैं तेरे साथ हूं, तेरी तो मैंने वाट ऐसी लगानी है ना कि तू याद रखेगी, तू मुझे डबल क्रॉस नहीं कर रही, मैं तुझे फोर्थ क्रॉस कर रही हूँ, फोर्थ क्रॉस। तो जिन लड़की को अपने पीछे लगा रही है ना, मैं उन सबकी माँ हूँ माँ, ये तो सोच के रखियो। हमारी पूरी टीम का तालमेल इतना अच्छा था, पहला मैच भी हमने इसी वजह से जीता और सेकंड भी, आगे भी हम जीतेंगे। इतनी अच्छी सर्विस की थी उसके कारण हम जीते हैं। निकल आ रहे थे तो पूरी रात मैंने खाना नहीं खाया, इतना दुख पहुंचा था कि मैं यार बदला कब लूं इसका, वो आज मौका मिला तो हमने करके दिखाया। कपड़े फाड़ के जीत गए,
आज दम था उनमें, आज दम था उनमें, टाइम वेस्ट हुआ था हमारा। मैंने उसको बोला कि तुमने कपड़े फाड़ दिए, हमारा टाइम वेस्ट नहीं तो उसको 10 बार पछाड़ती मैं, इतना दम था मुझ में। जहाँ तक खेल की टास्क की बात, यहाँ पे जनता बोल रही है कि हाँ कपड़े फाड़ के हमने जीता, बल्कि वो टीम वर्क में आ गया मेरा, कि टीम वर्क में मेरे टीम के ऊपर भी नाम आया, जैसे गौरव वगैरह, तो जिसके कपड़े ऑलरेडी फटे फटाए होते हैं उसको फाड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है यार, हर दिन एक जैसे नहीं होते, कल भी हमने अच्छा परफॉर्म किया था, कलम जीते थे, आज भी रनर अप रहे, तो इससे मैं काफी खुश हूँ। मेरी टीम मेंबर्स सारी बहुत स्ट्रांग है और काफी सपोर्टेड है। ओके गाइस, ये एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी थी, आप लोगों को इसी टीम के साथ में स्टिक करके रहना है, आगे भी आप लोगों को टास्क मिलेंगी जो इस टीम के साथ में भी और अलग अलग भी आप लोगों को करनी होंगी। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप लोग जाइए ब्रेक लीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टास्क आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सर। हमारे अगले टास्क का नाम है परफेक्ट बैलेंस।